नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं प्रकाश अनुभव न्यूज। पेश है आज की खास खबर। अभी तक फिल्मों में आपने देखा होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मृतक मरीज का इलाज किया जाता, पर आज हम आपको वीआईपी जिला कहे जाने वाले रायबरेली के जिला अस्पताल की वो तस्वीर दिखाएंगे जो न सिर्फ जिला अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाती है बल्कि किस तरह स्टाफ नर्सों द्वारा मृतक मरीज का इलाज किया जा रहा। बस फिल्म और हकीकत में फ़र्क इतना है कि फिल्मों में मृतक मरीज के परिजनों से रुपयों की कमाई की जाती है और हकीकत तस्वीर यानी रायबरेली के जिला अस्पताल में सिर्फ लापरवाही के चलते मृतक मरीज का इलाज किया जा रहा। पूरा मामला रायबरेली के जिला अस्पताल के इमरजेंसी के सामने बने इमरजेंसी वार्ड का। अखिलेश शुक्ला, कहाँ से आए हैं? सलोन। क्या है ये मामला? मामला ये कि मरीज जो है, इनको ब्लड कैंसर था, इनको खून की कमी थी, तो ब्लड चढ़वाने के लिए यहाँ लाया गया था। तो करीबन 2 घंटे पहले इनको लाते ही पहले एडमिट ही नहीं कर रहे थे, फिर किया गया। उसके बाद इंजेक्शन लिखे, 2 इंजेक्शन 800 रुपए का। हम बाहर से लिया, इंजेक्शन लगा इनको, तब मरीज बोल रहा था बकायदे, कोई दिक्कत नहीं थी। दो बार मैंने कहा कि ब्लड चढ़वाना है, बोले अभी कोरोना जाँच होगी तो क्या होगी। उसके बाद मरीज लेटा था और अब देख रहे हैं आपको जी, कुछ नहीं, कोई अब ऑक्सीजन लगाया गया उसको मरने के बाद ऑक्सीजन। हाँ, इसके बाद कुछ नहीं हुआ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, अब ऑक्सीजन लगाया जा रहा है, इंजेक्शन भी लगाएं। जी जी, तो लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही स्टाफ की है, अस्पताल की है, किसी डॉक्टर की है। भाई 3 घंटे हो गया, अगर सही ऑक्सीजन पहले ही दिया गया होता तो उसको सांस लेने दिक्कत क्यों होती? नहीं होती, पहले कुछ नहीं किया, बोल रहा था बकायदे। स्टाफ नर्स पर आरोप लगाया है लापरवाही का, क्या कहेंगे? अब क्योंकि मेरे पास जब वो आया था तब वो गंभीर में था और मैंने इसीलिए तुरंत तत्काल उसको भर्ती किया। आगे का वार्ड के दौरान मैं वहाँ उपलब्ध भी नहीं था क्योंकि परिजनों ने आरोप लगाए होंगे और इसका सही स्पष्टीकरण तो सिस्टर और वहाँ का वार्डवाही बता पाएगा कि क्या उन्होंने करा है, क्योंकि जब मैं गया तो वो खत्म हो चुका था।